अब मैं बच्चों दूसरी रिएक्शन आपके सामने ले रहा हूं, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। द सेकंड इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। पहले तो इसके बारे में लिख लीजिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बारे में लिखिएगा। हियर पहला पहला पॉइंट लिखिएगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें पहला पॉइंट, इन दिस टू स्टेप रिएक्शन देयर ऑकर्स द एडिशन ऑफ वॉटर देयर ऑकर्स द एडिशन ऑफ वॉटर अक्रॉस द डबल बॉन्ड एडिशन ऑफ वॉटर अक्रॉस द डबल बॉन्ड एज पर द एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल दूसरा पॉइंट लिखिएगा, द एडिशन ऑकर्स इन सिन फैशन। और तीसरा लिखिएगा, द एडिशन ऑफ वॉटर ऑकर्स विदाउट एनी रीअरेंजमेंट। राइट, इसका मतलब यह हुआ बच्चों कि अगर आप गौर से देखें कि सारी के सारी चीजें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन तथा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये दोनों में सब कुछ समान है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के अंदर जो आप एडिशन करवाते हैं वो मार्कोनिकॉफ्स रूल के तहत करवाते हो, और जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हो दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप केस देखिएगा, BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF, उसके बाद आप ऑक्सीडेशन, ये जो आपने परफॉर्म किया BH3 इन द प्रेजेंस ऑफ THF ये हाइड्रोबोरेशन होता है। यहां आप हाइड्रोबोरेशन परफॉर्म करते हैं, दिस इज योर हाइड्रोबोरेशन स्टेप। और जो दूसरी स्टेप आप परफॉर्म करते हो H2O2 in the presence of OH negative, ये आपकी ऑक्सीडेशन स्टेप है। और अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट P मिलता है, तो जो आपका प्रोडक्ट P मिलेगा यहां पर इट इज CH3 and it is CH2 and it is OH। कार्बन नंबर वन पर OH ग्रुप लगा हुआ है। मैंने क्या बताया बच्चों कि जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ्स के तहत होगा, इसका मतलब अक्रॉस डबल बॉन्ड जिस कार्बन के ऊपर कम हाइड्रोजन लगे हुए हैं वहां पर आपका जो है हाइड्रोजन जाएगा, इट मींस CH2 CH2 OH। एंड द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इट इज 3-methyl-1-butanol। चेक करिएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन आपने परफॉर्म किया है। अगर मान लीजिए यहां पर इसी में केस में थोड़ा सा डिफर कर रहा हूं, अगर मान लीजिए कि यहां पर ये देता इट इज CH3 The first step is definitely the BH3 in the presence of THF। और जो आपकी second step है उसने यहां पर मान लीजिए एसिटिक एसिड लगा दिया। समझिएगा बात को, यहां पर जो दूसरी step है उस दूसरी step में एसिटिक एसिड लगा दिया गया है, और क्योंकि दूसरी स्टेप के अंदर एसिटिक एसिड लगा दिया गया है इसका मतलब यह है कि अब आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट अल्कोहल। मतलब यहां पर जो आपको मिलेगा इट इज, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहां पर क्या हुआ है, हुआ क्या,
यू कांट डिलीट द मैकेनिज्म पार्ट कंप्लीटली, राइट? थोड़ा सा उसमें समझिएगा कि यहां पर मैंने क्या किया है। ऑब्जर्व करिएगा, मैं हाइड्रोबोरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, BH3 हमारा रिएजेंट है, PHF सॉल्वेंट है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन ये हमारा सॉल्वेंट है, सभी बच्चे इसका स्ट्रक्चर जानते होंगे, इट इज योर टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन जिसको आप THF कहते हैं। ये अपने आप में एक साइक्लिक ईथर की तरह काम करता है, ये साइक्लिक ईथर है, इट इज वीकली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। जो आपका THF होता है वो THF वीकली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। जो पहली स्टेप हुई होगी यहां पर, तो पहली स्टेप के अंदर ये बना होगा आपका, इट इज CH3 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 इट इज होल थ्राइस एंड इट इज बी। चेक करिएगा, ये आपकी पहली स्टेप का प्रोडक्ट है जिसको आप लोग कहते हैं ट्राई अल्काइल बोरेन। ये आपने ट्राई अल्काइल बोरेन बनाया है, राइट? मतलब समझ रहे होंगे आप मेरी बात को कि इसके 3 मोल लगे हैं, यहां पर इसके 3 मोल लगे हैं, ये हाइड्रोबोरेशन उसका। अब मैं इतना नहीं बताऊंगा बच्चों कि हाइड्रोबोरेशन कैसे हुआ, ये कैसे बना, बराबर है, दैट यू विल हैव टू सी इन द हाइड्रोकार्बन, वो हाइड्रोकार्बन की बात हो गई। मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि अभी क्या हुआ है, पहली स्टेप में क्या बना। पहली स्टेप के अंदर ये ट्राई अल्काइल बोरेन आपको बनता है, इसका मतलब जो बोरॉन है उस बोरॉन के साथ में ये 3 बड़े बड़े अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। दूसरी स्टेप के अंदर आपने एसिटिक एसिड लगा हुआ, राइट? यहां पर बोरॉन ट्राइवेलेंट है, इस बोरॉन के साथ में 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ये वाले 3 ग्रुप लगे हुए हैं, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं मतलब बोरॉन के साथ में, यहां पर बोरॉन के साथ में डायरेक्टली कार्बन लगा हुआ है, और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कार्बन और बोरॉन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बोरॉन। इसका मतलब कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है एज कंपेयर टू दैट ऑफ बोरॉन। कार्बन और बोरॉन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब ये हाइड्रोबोरेशन स्टेप आपने परफॉर्म करी, अब हाइड्रोबोरेशन के बाद आपने एसिडिक एसिड लगा दिया या आपने मीडियम को अम्लीय कर दिया, एसिडिक कर दिया मीडियम को, तो जो कार्बन है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ इट्स हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ बोरॉन, तो ये जो कार्बन है ये कार्बन एसिडिक एसिड में से एच पॉजिटिव निकाल लेगा। इसका मतलब जब आगे आप बढ़ोगे, जब आप एसिडिक एसिड के साथ ट्रीट करवाते हो, तो यू विल गेट द 3 मोल्स ऑफ CH3 CH CH3 एंड इट इज CH2 CH2 एंड इट इज H, इसका निर्माण हो जाएगा, राइट? मतलब जो कार्बन था, जो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज कार्बन था, उस पार्शियल नेगेटिवली चार्ज कार्बन ने यहां से हाइड्रोजन को निकाल लिया, हाइड्रोजन को निकाला, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द अल्केन, अल्केन का निर्माण हो गया, राइट? इसका मतलब यह हुआ कि हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेप पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन आपको करवाना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको लगाना पड़ेगा, तभी जाकर आपको अल्कोहल मिलेगा, अदरवाइज बच्चों अल्कोहल नहीं मिलेगा। ये आपके सामने सिंपल सा केस है, राइट? इसी में एक और चीज मैं ले रहा हूं, राइट? उसको ध्यान रखिएगा, नोट करिएगा जरा, एक रिएक्शन में ले रहा हूं, अगर मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड है, और ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को आपने ट्रीट करवाया पहली स्टेप में,
ये देखिएगा बच्चों क्या केस है, हाइड्रोबोरेशन और उसके बाद आपने दूसरी स्टेप के अंदर इट इज H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, ये आपने लिया, चेक करिएगा CH3, CH, CH3, CH, CH3 और इसके साथ में ये दो लिए मैंने, मतलब अगर अब ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है राइट, ये बहुत ही क्लियर है, ये हाइड्रोबोरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ THF और दूसरी स्टेप में ये आपने ऑक्सीडेशन परफॉर्म करना है। अब अगर मैं आपसे ये बात करूं, ये जो कंपाउंड है बहुत बढ़िया केस है राइट, छोटा सा केस है, इसमें ये जो आपने लिया अभी तक नॉर्मली क्या लेते हैं आप, अभी तक जैसे आप लेते हैं BH3 या B2H6 आप लेते हो राइट, यहां पर जो कंपाउंड है आपका जिससे आप हाइड्रोबोरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ये कंपाउंड अपने आप में काफी ज्यादा बल्की है। अच्छा ये भी बात बिल्कुल तय है कि जो आप BH3 लेते हो वो BH3 अक्रॉस डबल बॉन्ड एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, BH3 अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और वो अल्कीन, अल्कीन जो अपने आप में सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं उस अल्कीन के ऊपर ही अटैक करता है। यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो आप हाइड्रोबोरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ये हाइड्रोबोरेशन एक ऐसा ग्रुप लेकर परफॉर्म कर रहे हो जो अपने आप में काफी ज्यादा बल्कि है, और क्योंकि ये वाला ग्रुप अपने आप में काफी ज्यादा बल्कि है और बहुत ज्यादा ये जो हाइड्रोबोरेशन स्टेप मानी जाती है बच्चों, ये स्टेरिकली, ये रिएक्शन स्टेरिकली हिंड्रेंस के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जैसे कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं SN2 reactions आर टू सेंसिटिव टू द स्टेरिक फैक्टर्स, थोड़ा सा भी अगर आपने हिंड्रेंस क्रिएट कर दिया, तो SN2 रिएक्शन नहीं होगी आपकी, बराबर है, या होगी उसका परसेंटेज आपको बहुत कम मिलेगा। यहां पर भी क्या है, आप जो हाइड्रोबोरेशन परफॉर्म कर रहे हो ये एक ऐसा ग्रुप लेकर परफॉर्म कर रहे हो जो अपने आप में काफी ज्यादा बल्कि है, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये कहां पर अटैक करना पसंद करेगा, अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड और अक्रॉस दिस डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड के अंदर आपके पास दो साइट्स हैं, दो अवेलेबल साइट्स हैं जहां पर ये अटैक कर सकता है, जहां पर ये अटैक परफॉर्म कर सकता था, बट ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का अटैक आप निश्चित रूप से इस कार्बन के ऊपर करवाएंगे, और जब ये कंपाउंड, ये बोरॉन का जो कंपाउंड है, बोरॉन का जो डेरिवेटिव है, BH3 का जो डेरिवेटिव है, जब ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर तो ये H रिलीज करेगा, इसका मतलब जो हाइड्रोबोरेशन वाली स्टेप परफॉर्म होगी वो ये मिलेगा। ये एज इट इज बना रहेगा, यहां पर आपका CH और CH के साथ में यहां पर H लग जाएगा, जिस कार्बन पर, जिसको नहीं पता वो सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, जिस कार्बन पर आप बोरॉन का अटैक करवाते हैं, जिस कार्बन पर आप बोरॉन का अटैक करवाएंगे उसके पास वाले कार्बन पर आप हाइड्रोजन का एडिशन परफॉर्म करते हैं राइट, इसका मतलब यहां पर आपने हाइड्रोजन का एडिशन परफॉर्म किया, हियर इट इज अ CH2 और ये CH2 के साथ में बी और बी के साथ में ये दो ग्रुप लगे हुए हैं, इट इज ग्रुप जी, और जी क्या है वो आपको यहां से समझ में आ रहा होगा, द ग्रुप जी इट इज योर CH3 एंड इट इज दिस, ये आपका ग्रुप जी है राइट। चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी आपको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वो चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो हाइड्रोबोरेशन का जो रिएजेंट होता है, सारे बच्चे फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं कि जो हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन आप परफॉर्म करते हो, ये दो स्टेप्स है हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, ये दो स्टेप्स है राइट, तो जब हाइड्रोबोरेशन वाला है, हाइड्रोबोरेशन का जो रिएजेंट होता है इट इज टू सेंसिटिव फॉर द स्टेरिक फैक्टर्स, तो जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस का मिलेगा वहां पर ये प्रायोरिटी बेसिस पर अटैक करेगा, इसका मतलब मैंने अटैक यहां पर करवाया, और जब अटैक, और गौर से चेक करिए, मैं रेस्ट्रिक्टेड हाइड्रोबोरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, रेस्ट्रिक्टेड हाइड्रोबोरेशन में परफॉर्म कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि इसके साथ में सिर्फ एक ही एच लगा हुआ है, जो बोरॉन है उस बोरॉन के साथ में सिर्फ एक ही एच लगा हुआ है, तो ये एच मैंने यहां पर लगा दिया और ये मेरा अल्टीमेटली
पहली स्टेप आपकी कंप्लीट हुई। उसके बाद आप नॉर्मल जो ऑक्सीडेशन परफॉर्म करते हो, आप ऑक्सीडेशन परफॉर्म करिए H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव, रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड। इट इज अ CH2 सिंगल बॉन्ड, इट इज अ CH2 एंड इट इज OH, ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा। जिस समय आप ऑक्सीडेशन परफॉर्म करोगे, तो जिस समय आप ऑक्सीडेशन परफॉर्म करोगे राइट, तो यहां पर आपका OH ग्रुप लगेगा आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेप। इसका पूरा मैकेनिज्म है जो हम बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको हाइड्रोकार्बन में बता चुका हूं। सो दिस इज योर अल्कोहल फॉर्म। तो ये बच्चों आपकी दूसरी रिएक्शन कंप्लीट हुई, जिसको आप बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। नाउ द थर्ड वन आई एम टेकिंग अप, इट इज थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तीसरा आप लिखिएगा, इट इज थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। राइट है, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ग्रिग्नार्ड जो रिएक्शन होती है, ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट होता है वो कैसे बनता है, जरा उसकी सिंथेसिस पर मैं चर्चा कर लूं। इट इज सबसे पहले आप कोई अल्काइल हैलाइड लेते हो, उस अल्काइल हैलाइड को जब आप मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, इट रिजल्ट्स इन टू द फॉर्मेशन ऑफ RMgX, जिसको आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ड्राई ईथर, सबसे पहले तो मैं इस पर चर्चा कर लूं थोड़ा सा कि व्हाई यू आर टेकिंग अप द ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है, राइट। ईथर सभी बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं कि इट इज द एग्जांपल ऑफ वीकली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये वीकली पोलर होता है, वीकली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है, वीकली पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आता है। ड्राई ईथर क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि जो रिएक्शन है बच्चों वो रिएक्शन बहुत ही एक्सप्लोसिव होती है, पूरी तरीके से ड्राई कंडीशंस आपको मेंटेन करनी होती है। जल का, वाटर का अंश भर भी नहीं होना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी अंश होता है राइट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं मिलेगा। अगर पानी है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तुरंत वाटर में से एच निकाल लेगा राइट, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का निर्माण हो जाएगा। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हैं, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप अल्कोहल बनाना चाह रहे हैं, ना कि हम अल्केन की बात कर रहे हैं, राइट। परफेक्टली ड्राई कंडीशंस होती हैं, ड्राई ईथर आप लेते हैं, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और पहले मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर को लेकर चर्चा कर लूं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये अपने आप में ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड का एग्जांपल है, ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड की कैटेगरी में ये आता है। दिस कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोई मेटल डायरेक्टली ऑर्गेनिक पार्ट, मतलब कार्बन से जुड़ा होगा। जब कोई मेटल M डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा होगा वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चीजें अपने आप क्लियर होने लगेगी, राइट। ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, राइट, RMgX। इसमें ये दो तीन बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई है कि ड्राई ईथर इसलिए भी लिया जाता है, एक तो ये अप्रोटिक है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है,
अगर थोड़ा सा भी एसिडिक हाइड्रोजन है राइट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल देगा राइट, और हमारा जो पर्पस है वो पर्पस पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए जो अल्केन के मुकाबले, जो अल्केन के मुकाबले ज्यादा एसिडिक हो। यह बात शायद समझ में नहीं आई है, मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा हूं राइट, फिर से मैं पॉइंट पर आऊंगा। मैंने क्या बोला अभी आपको, ऐसा कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए जो अल्केन के मुकाबले, जो अल्केन के मुकाबले ज्यादा एसिडिक हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपके सामने, मान लीजिए कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और मान लीजिए कि मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्चर इज देयर, ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और मॉइस्चर प्रेजेंट है, आप ड्राई कंडीशन रखना भूल जाते हैं राइट, या वॉट एवर इट इज राइट, आपने पानी ले लिया, पानी के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, तो पानी के साथ जब आप रिएक्शन करवाओगे तो वाटर, मैंने क्या बोला आपको कि ऐसा कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। जिस समय आप ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बना रहे हैं, जिस समय आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो, उस वक्त एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो अल्केन से ज्यादा एसिडिक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए आपने पानी लिया, पानी के साथ आपने रिएक्शन करवाई, तो पानी के साथ या मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर प्रेजेंट है, तो यहां पर हो जाएगा इट इज CH3 और H ले लेगा, इट मींस इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये मीथेन बन जाएगी, मीथेन प्लस यहां पर बन जाएगा Mg के साथ में Br और Br के साथ में OH, इससे कोई मतलब नहीं है हमारे को, ये तो आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, ये मीथेन गैस बनी। अब समझिएगा मेरी बात को, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस H2O गिविंग मीथेन प्लस दिस सॉल्ट, ये आपका एक सॉल्ट बना है। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वाटर इज बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम मोर एसिडिक एज कंपेयर टू दैट ऑफ मीथेन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। द PKa वैल्यू पर काफी चर्चा हो चुकी है हमारी राइट, जो H2O है, वाटर है, वाटर की जो PKa वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 15.7, और अल्केन्स की बात करूं तो अल्केन्स की जो PKa वैल्यू होती है वो 50 की रेंज में होती है राइट, वाटर की PKa वैल्यू आप कहते हो 15.7 15.7, और अल्केन्स की PKa वैल्यू 50 की रेंज में होती है, 50 से 60 की रेंज में चली जाती है राइट। इसका मतलब यह हुआ, और आपको ध्यान हो तो मैंने एक बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताई थी कि कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन, कोई भी एसिड बेस रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जा रही है राइट, तो वो तभी फॉरवर्ड जाएगी जब कोई ताकतवर एसिड, कोई ताकतवर एसिड वीकर एसिड को डिस्प्लेस करे राइट, या ताकतवर बेस स्ट्रांग बेस वीकर बेस को डिस्प्लेस करेगा, यहां पर वीकर बेस है, यहां पर स्ट्रॉन्गर बेस है, या स्ट्रॉन्गर एसिड वीकर एसिड को डिस्प्लेस करेगा। यहां पर पानी, आपने गलती से पानी लगा दिया, अब गलती से आपने पानी लगा दिया, खट से मीथेन गैस निकल जाएगी, रिएक्शन आपकी बहुत ज्यादा फॉरवर्ड निकल जाएगी, दैट विल बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन डेफिनेटली इट विल बी नेगेटिव, डेफिनेटली इट विल बी नेगेटिव, बहुत भयंकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और डेल्टा जी नेगेटिव चला जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस राइट। तो इसीलिए थोड़ा सा भी, मतलब अल्केन जो मीथेन, मीथेन इज अल्केन, अल्केन के मुकाबले थोड़ा सा भी अगर एसिडिक हाइड्रोजन उस तरफ ले लिया आपने, अल्केन के मुकाबले थोड़ा सा भी अगर आपने एसिडिक हाइड्रोजन ले लिया बराबर, खट से वहां पर अल्केन निकल जाएगी, मतलब अल्केन में फिर कुछ भी हो सकता है बच्चों, वो डिपेंड करेगा कि वो आपका अल्काइल जो पार्ट है वो कैसा है, मतलब वो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है राइट, ये एक बात बताई मैंने। तो ये बेनिफिट है जब आप ड्राई इथर ले रहे हैं, मतलब जब आप इथर लेते हैं, जैसे आपने सॉल्वेंट में लिया, इथर लिए जाते हैं, अब इथर में बच्चों ढेर सारी हमारे पास वैरायटी है, डाइथाइल इथर भी आप ले सकते हो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन भी ले सकते हो आप राइट, तो कोई भी इथर, तो जब आप इथर लेते हो और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हो इथर में, तो यू आर एश्योर्ड आप बहुत सेफ हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाकायदा बनेगा, मतलब खतरा नहीं रहेगा कि कहीं अल्केन तो नहीं निकल जाएगी, क्योंकि ग्रिग्ना कोई भी जो ईथर है, जैसे डाइथाइल ईथर राइट, ये डाइथाइल ईथर है CH3 CH2 CH3, ये डाइथाइल ईथर है
राइट अब आप मुझे बताइए बच्चों कि आपने परफेक्टली ड्राई कंडीशन में डाइथाइल ईथर को लिया एज अ सॉल्वेंट और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप बना रहे हो, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है RX प्लस MG, डाइथाइल ईथर आपने लिया, राइट आपको खतरा है क्या कि कहीं अल्केन तो नहीं निकल जाएगी? आप मुझे बताइए अल्केन के बनाने के लिए, अल्केन के बनाने के लिए एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन कहां है, कहां से निकालोगे आप हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन आप निकालोगे? देयर इज नो एनी ऑप्शन, राइट। इवन कहा जाता है कि बेंजीन भी सॉल्वेंट की तरह लिया जाता है। इसमें जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप बनाते हो, मान लीजिए कि ड्राई ईथर नहीं है, खत्म हो गया, राइट, आप बेंजीन लेते हो, बट बेंजीन इज नॉट अ बेटर सॉल्वेंट। बेंजीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए अगर इवेंचुअलिटी आ गई, अगर ड्राई ईथर नहीं है, ईथर मतलब कोई भी ईथर, डाइथाइल ईथर हो सकता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन हो सकता है, डाइमिथाइल ईथर हो सकता है, कोई भी ईथर, राइट, अगर ईथर नहीं है तो आप बेंजीन भी इस्तेमाल करते हैं, बट बेंजीन इस्तेमाल किया जाता है, बट ईथर के साथ एक बेनिफिट है, ईथर के साथ एक बेनिफिट है। पहले तो मैं बता दूं, बेंजीन आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं C6H6, बेंजीन में से कहां से निकालोगे आप H? H पॉजिटिव फॉर्म में निकलने के चांसेस थोड़ी हैं। तो फिर आप बोलेंगे कि सर हर बार बेंजीन क्यों नहीं लिया जाता है, एवरी टाइम व्हाई द बेंजीन इज नॉट प्रिफर्ड? आप कह रहे हैं कि इवेंचुअलिटी में बेंजीन लिया जाता है, तो नॉर्मल कंडीशंस में बेंजीन को क्यों नहीं लेते हो, इवेंचुअलिटी में क्यों ले रहे हो आप? ऐसा ही क्या खासियत है ईथर की, ऐसी क्या खासियत है कि आप ईथर को सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हो जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको बनाना होता है? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, समझिएगा, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईथर स्टेबलाइज करता है थ्रू सॉल्वेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट इज RMG एंड इट इज X, राइट, इट इज असेंशियली, चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए, इट इज हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, राइट, और यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और ये X पर नेगेटिव चार्ज है, मतलब MG और X के बीच में। सारे बच्चे अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि जो R है और जो मैग्नीशियम है, उस R और मैग्नीशियम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और क्योंकि जो कार्बन है, R मतलब कार्बन, जो कार्बन है उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, इसीलिए कार्बन के ऊपर ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, बट कार्बन के ऊपर काफी ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो ऑर्गेनिक पार्ट काफी रिएक्टिव माना जाता है, बिकॉज द कार्बन इज हैविंग द टू मच पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वो बेस की तरह भी काम कर सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है, वो प्योरली सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इनफैक्ट मैं बता दूं आपको, सारे बच्चे अच्छी तरीके से ध्यान में रखना कि जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, उन सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं उन सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक पार्ट पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स हैं उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा मानी जाती है, दे आर कंसीडर्ड टू बी टू रिएक्टिव। तो मैं अभी आपको यह बता रहा था, राइट, यहां तो एक बात क्लियर हो गई, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसको सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा। अब सवाल यह उठता है कि आप बेंजीन हर बार सॉल्वेंट की तरह क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो, राइट, बेसिकली ईथर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आप रिकॉल करिएगा, जिस समय मैंने आपको अल्काइल हैलाइड पढ़ाया था उस समय मैंने आपको एक बात बोली थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चे शायद भूल गए होंगे, राइट, शायद भूल चुके होंगे, राइट, मैंने एक बात बताई थी आपको कि जब जो कैटायन होता है, कैटायन इज स्टेबलाइज्ड by the lone pair of electrons, cation is stabilized by the lone pair of electron present on the molecule of on the solvent molecule. Anion undergoes stabilization through hydrogen bonding. जब हम SN2 SN1 रिएक्शन पढ़ रहे थे, रिकॉल करिएगा, वहां पर मैंने आपको यह बात बताई थी
कि एनायन अंडरगोज, एनायन बेसिकली अंडरगोज अ सॉल्वेशन थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइल द कैटायन अंडरगोज अ सॉल्वेशन, कैटायन अंडरगोज अ सॉल्वेशन थ्रू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। जैसे अगर, जैसे कुछ बच्चों को अगर बात समझ में नहीं आई है, आपने पानी लिया, वॉटर लिया, और वॉटर आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, वॉटर इज पोलर, वॉटर इज हैविंग द हाई वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट। आपने वॉटर के अंदर नमक को डाला, NaCl को डाला, तो जैसे ही आप NaCl को डालेंगे, राइट, ये जो सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन स्टेबलाइज करेगा पानी के अंदर, ये सोडियम आयन स्टेबलाइज करेगा। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि सोडियम आयन कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज हैविंग द टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये सोडियम आयन को स्टेबलाइज करेंगे। मतलब कई वाटर मॉलिक्यूल्स, कई वाटर मॉलिक्यूल्स इस सोडियम आयन को सराउंड करते हैं, ये देखिएगा आप इस तरीके से। मतलब कैटायन अंडरगो सॉल्वेशन थ्रू लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। उसी तरीके से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, राइट, तो ये जो ईथर आप ले रहे हो, जो आपने ड्राई ईथर लिया है, राइट, वो ईथर का जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इसको स्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा, मतलब एक बॉन्ड बनेगा। ये बेनिफिट मिलता है। बेंजीन अगर आप ले रहे हैं, राइट, तो बेंजीन में वो स्टेबलाइजेशन नहीं हो सकेगा। और इसीलिए बच्चों, अब बहुत ही काम की बात बोल रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। ईथर सॉल्वेंट होता है, वो ईथर कुछ भी हो सकता है, डाइमिथाइल ईथर हो सकता है, राइट, डाइमिथाइल ईथर लिया जाता है, राइट, बट अगर मान लीजिए कि मैंने क्लोरोबेंजीन लिया, और क्लोरोबेंजीन लेकर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, क्लोरोबेंजीन मैंने लिया और क्लोरोबेंजीन लेकर मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया मैग्नीशियम, तो उस समय THF सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, आप डाइथाइल ईथर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिस समय क्लोरोबेंजीन और मैग्नीशियम लेकर आप रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा, जिसको आप कहते हैं फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड जो आपने बनाया है, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड अगर आप बनाना चाहते हो फ्रॉम द क्लोरोबेंजीन, तो THF सॉल्वेंट की तरह काम करना चाहिए, सॉल्वेंट THF ही होगा, ये एज अ रूल की तरह काम करता है। सवाल ये उठता है कि THF क्यों ले रहे हो आप, राइट, आप बोलेंगे कि सर आपने डाइथाइल ईथर क्यों नहीं लिया, वो डाइथाइल ईथर इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि डाइथाइल ईथर और THF के जरा स्ट्रक्चर को चेक करिएगा बच्चों, CH3 CH2 and it is O and it is a CH2 and it is a CH3, और THF अगर लूं तो O this this and it is this, ये आपका THF, this is your THF and this is your diethyl ether, right? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, उसको ज्यादा बेहतर कौन स्टेबलाइज करेगा, ज्यादा बेहतर तरीके से कौन स्टेबलाइज करेगा, तो आपका जवाब ये होगा कि सर THF ज्यादा बेहतर तरीके से उसको सॉल्वेट करेगा, सॉल्वेट मतलब उसका सॉल्वेशन करेगा ज्यादा बेहतर तरीके से। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि THF एक रिंग है, इट इज अ 5-membered रिंग, एक क्लोज्ड रिंग है, और रिंग है तो रिंग ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्वेशन परफॉर्म करेगी एज कंपेयर टू दिस ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये तो ओपन चेन है, और THF एक साइक्लिक है, राइट, तो साइक्लिक जो कंपाउंड है बच्चों, वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको सॉल्वेशन करेगा ना, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन रहा है, जो फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया आपने, राइट, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से सॉल्वेट करेगा, राइट, इसीलिए THF एज अ सॉल्वेंट की तरह आप इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैंने ग्रिग्नार्ड के सिंथेसिस की कई इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई कि आप ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं, ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए जो कि जिसका हाइड्रोजन कम एसिडिक हो या अल्केन के कंपेरेबल हो, ऐसा कोई सॉल्वेंट आप नहीं ले सकते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसका हाइड्रोजन किसी अल्केन के मुकाबले ज्यादा है।
होगा, अगर अल्केन के मुकाबले ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो खट से अल्केन निकल जाएगी, खट से अल्केन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा। वो अल्केन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी मीथेन, इट कैन बी इथेन, इट कैन बी प्रोपेन, व्हाट एवर इट इज, राइट। परफेक्टली ड्राई कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R और मैग्नीशियम है उसके बीच में एसेंशियली कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो R पार्ट होता है वो ज्यादा से ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, दैट्स व्हाई इट कैन एक्ट एज अ बेस और इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट। इसकी रिएक्शंस को लेकर अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।